नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आ रही है इलाहाबाद बैंक की तरफ से। अभी से बस कुछ ही घंटों पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैकेंसी निकाली गई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, कुल मिलाकर के 92 वैकेंसी यानी कि 92 वैकेंसीज निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीई, बीटेक, एमटेक, एमबीए, सीएफए और एलएलबी के कैंडिडेट्स के लिए इस नोटिफिकेशन के अंदर काफ़ी मौके दिए गए हैं, वो कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट या आयु सीमा की बात की जाए तो 20 से 35 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज एज में पूरी रिलैक्सेशन दी गई है। सैलरी दी जा रही है 31,705 से लेकर के 45,950 के बीच। हालांकि इसमें TADA और HRA इंक्लूड नहीं है, जिसे मिला देने के बाद ये सैलरी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो सैलरी की तरफ से बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सैलरी आपको इस वैकेंसी के लिए बहुत अच्छी मिलने वाली है। एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं SC ST एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। जॉब नेचर की बात की जाए तो फुल टाइम परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। एक और वंस अगेन एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए आवेदन करें। ये बाकी वैकेंसीज की तरह टेम्प्रेरी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब नहीं है, तो अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो करियर एक तरीके से सेट है, तो इसके लिए आवेदन आप ज़रूर करें। सिलेक्शन मोड CBT टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। 9 अप्रैल 2019 से लेकर के 29 अप्रैल 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 20 दिन का वक्त है दोस्तों। इस 20 दिन के वक्त के अंदर आपको इसके लिए आवेदन करना है। ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की कटिंग है, जिसके अंदर टेस्ट की पूरी डिटेल्स दी गई है। कुल मिलाकर के 210 क्वेश्चंस होंगे और 185 मार्क्स के वो यानी कि 185 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे 0.5 मार्क्स के, तो उसके 25 नंबर बनते हैं। जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और प्रोफेशनल नॉलेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे 60 नंबर के 60 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से 210 क्वेश्चंस बनते हैं और टोटल मार्क्स बन जाते हैं 185 यानी कि 185। तो दोस्तों, इसके लिए आवेदन करने का लिंक, इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।